गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास. इन दिस क्लास वी रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल, इट्स प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज. बच्चे इन द 9th स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी लर्न द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. वी हैव अ चैप्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल दिस ईयर ऑल्सो. First 30 elements we learn in the previous class. In the previous class we understand and learn the classification of elements. The elements are classified into rows and columns. There are 7 periods and 18 groups in which the elements are classified. Let's start the chapter. Introduction. Elements are pure substance made up of one type of atoms. They are the basic unit of all type of matter. In order to study element in an organized manner, they need to be classified. You have studied in class 9 the contribution of Dobernier, Newlands and Mendeleev to the classification of element. Bache, what are elements? What are elements? Elements pure form होती है जिसमें only one type of atoms are used. They are the basic unit of matter. Now what is matter? Anything that occupies space and has a mass is known as matter. Matter again classified into solid, liquid and gases. In 9th class we read about the contribution of Dobernier, Newlands and Mendeleev. सेम बच्चे, इन शॉर्ट वी अगेन रिवाइज दिस इन दिस चैप्टर. नंबर 1 डोबर्नियर. बच्चे डोबर्नियर ग्रुप्ड द एलिमेंट्स इन 3 ट्रेड्स मीन 3 दैट ही टेक 3 एलिमेंट्स ओके विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी. सच दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोटियम एंड द थर्ड वन इज बेरिलियम. सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम, ब्रोमाइन एंड आयोडाइन. नाउ आई शो यू हाउ ही टेक द 3 एलिमेंट्स सी ए एस आर एंड बी ए. इन्होंने क्या किया कि सी ए कैल्शियम एंड बी ए ही टेक बोथ एंड टेक द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मीन्स, एटॉमिक मास का आपको सिंबल भी बताया था मैंने, एटॉमिक मास दैट इज कैपिटल ए. सी ए का कैपिटल ए मीन्स मास. व्हाट इज द मास ऑफ सी ए? 40. एंड बी ए दैट इज 137 प्लस. अर्थमेटिक मीन लिया, दोनों को प्लस किया एंड डिवाइड बाय 2. अर्थमेटिक मीन में क्या किया, दोनों को लेके 177 डिवाइड बाय 2. द आंसर इज 88.5 मीन्स 88. नाउ व्हाट इज द मास? ही फाइंड द एलिमेंट विद द मास 88 दैट इज एस आर. इन दिस वे दिस इज द ट्रेड बच्चे. ही टेक 3 एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टी. सेम प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी? मीन्स एटॉमिक मास को लेकर इन्होंने क्या निकाला, फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मास का लेकर अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया एंड द आंसर जो आंसर आया दैट इज द मिडल वन एलिमेंट. सेम मेथड ही अप्लाई ऑन दिस ओके. कैल्शियम, ब्रोमाइन, आयोडाइन. कैल्शियम 35 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 80. नेक्स्ट न्यूलैंड्स.
Newlands observed that when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, उन्होंने देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ, टू देन फोर देन सिक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज़ का था? एटॉमिक मास. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम. सीए का मास 40, स्ट्रोनियम का कितना है? 88, एंड द थर्ड वन 137. सो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 40, 88, 137. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट. सो अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. क्या फाइंड आउट किया उन्होंने? एवरी एट्थ एलिमेंट बीइंग बिगनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. मीन्स जो भी एट्थ एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट. मेंडलीव गेव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन हिज लॉ विच स्टेट्स दैट. इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट हमें पीरियोडिक टेबल दिया एलिमेंट्स का, जो के एक लॉ के ऊपर बेस्ड था. क्या था वो? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. वो पीरियोडिक फंक्शन करती हैं अकॉर्ड, डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास. अगेन ही टेक एटॉमिक मास. बच्चे डोबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव तीनों ने ही एटॉमिक मास के हेल्प से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. इन्होंने, डोबर्नियर ने थ्री ट्रेड्स ली, फर्स्ट एंड थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकाला. न्यूलैंड्स ने क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम रिजेंबल्स. मेंडलीव ने एक, देन मेंडलीव, इन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट समेत दिया जो कि एक लॉ के ऊपर बेस्ड था. दिस अरेंजमेंट अनेबल मेंडलीव टू प्लेस 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. बच्चे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही पता थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाया. इन दिस पीरियोडिक टेबल बच्चे उन्होंने ग्रुप्स एंड पीरियड्स, प्रॉपर ग्रुप्स एंड पीरियड्स में को एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में क्लासिफाई किया. बच्चे देयर आर सेवन पीरियड्स आई ऑलरेडी डिस्कस. वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, उन्होंने ग्रुप्स बोला इन्हें. एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इनको पीरियड. क्लियर? ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड. और उन्होंने बोला था, प्रिडिक्शन की थी कि और भी एलिमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं. बट दिस मैथड could not explain the position of certain element. अच्छा किया उन्होंने जितना काम किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि कुछ एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी, मतलब कहाँ पे उन्होंने, कौन सी उसकी प्लेस होगी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, वो बताना वो अच्छे तरह से क्लियर नहीं था. कौन थे, कौन से एलिमेंट थे वो? द रेयर अर्थ मेटल एंड द आइसोटॉप्स. दीज डिफेक्ट्स वर रिमूव्ड बाय, अभी ये जो प्रॉब्लम्स थी ये किसने ओवरकम की? हेनरी. और उन्होंने हमें कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जो आपने लर्न किया, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट इज बेस्ड अपॉन. बट दिस इज अ बिग डिफरेंस. फर्स्ट थ्री पीरियोडिक टेबल आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, दैट इज ए, बट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. एंड एटॉमिक नंबर, द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, व्हाट वी यूज? जेड, कैपिटल जेड.
What is atomic number? Atomic number is the number to the is equal to the number of electrons in the energy shell of an atom. Physically and chemically properties of an element depend on the number of electrons and their arrangement. Hence, atomic number is the fundamental property of an element. तो इन्होंने क्या बोला कि fundamental property क्या है? Atomic number है, not the mass. Thank you students. I hope you understand this concept and revise it once again.